बहुत ज़्यादा मयस्सर रहोगे तो इज़्ज़त और अहमियत दोनों खो दोगे। मुनासिब फासलों में ही इज़्ज़त है। मैं ऐसी ही हूँ, एक वक्त में बहुत ख्याल रखने वाली और लापरवाह भी, सयानी भी और बेवकूफ़ भी। कभी छोटी सी बात पर आंखें भर आती हैं और बड़ी से बड़ी भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। कोई पूछता है तो के हकीकत में तुम क्या हो, तो धीमी मुस्कान और नम आँखों से कहती हूँ मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या हूँ। सूखी रोटी का एक टुकड़ा सोने के पहाड़ पर भारी है, गर भूख सच्ची हो। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को कुछ मिनटों में हड़प कर जाती है। आपकी ज़ात अपनी ज़ात नामुकम्मल ही सही, लेकिन किसी की ज़ात को अपनी मोहब्बत, रवैये, खलूस और दोस्ती से मुकम्मल करने का जज्बा हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। मुनाफिक हर भेड़िए के साथ हमलावर होता है और हर चरवाहे के साथ रोता है। दुख रहेगा कि शक किया तुम पर, दुख रहेगा कि शक सही निकला। इतना तो कोई किसी को चाह भी नहीं सकता जितना मैंने फकत तुमको सोचा है। और जिनसे मोहब्बत की जाए उन्हें हासिल ना करने के बाद उनका बुरा नहीं सोचा करते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत की तौहीन है। मैं लोगों को बताऊंगी कि वो गलत समझते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो मोहब्बत नहीं कर सकते। उन्हें मालूम नहीं कि जब वो मोहब्बत करना छोड़ देते हैं तब वो बूढ़े हो जाते हैं। उसने मुझसे पूछा मफहूम में गलत फहमी क्या है। मैंने मुस्कुरा कर कहा तुमसे उम्मीद वफा रखना। औरत अगर मर्द को रोज़ाना इज्जत दे और तारीफ, तो मर्द कभी भूढ़ा नहीं होता। और फिर कुछ रातें ऐसी भी होती हैं कि सांस लेना वबाल लगता है।